सब्सक्राइब कीजिए गोल्डी व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज गोवा को अलविदा करने का वक्त आ गया। तो अभी 3 बजे का फ्लाइट है। तो अभी बज चुका है 12 बजने वाला है, तो काफ़ी लेट हो गया। जोमेटो में मैंने ऑर्डर किया फूड, वो खा के तुरंत यहाँ से निकलना है। और कैब का पता नहीं अभी क्या है, गोवा माइल करके है, वो ऐप पिकअप करता है या नहीं करता। फिर नॉर्मल टैक्सी, लोकल टैक्सी पकड़ के निकलना पड़ेगा। गोवा माइल करके ऐप है, वो एयरपोर्ट से तो पिकअप हुआ, पता नहीं यहाँ से पिकअप होगा या नहीं होगा, वही चेक कर रहा हूँ। तो गोवा माइल का एक इश्यू है, तो यहाँ कुछ टैक्सी अवेलेबल नहीं बता रहा है। तो अभी मैं नीचे जाके होटल वाले से पूछता हूँ, कुछ ऑप्शन है क्या, नॉर्मल टैक्सी कुछ आपके यहाँ से कुछ है क्या, पूछता हूँ, मिल जाए तो अच्छा। और स्विगी में भी मैंने फूड ऑर्डर किया है, तो वो भी लेट हो रहा है, देखते हैं। अगर वो भी नहीं आया तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। लेट्स सी, देखते क्या होता है। पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था, ये एयरपोर्ट के लिए कोई टैक्सी वगैरह मिलेगा क्या? मिल जाएगा। कौन सा एयरपोर्ट जाना है? ये अपना मोपा। मोपा, हाँ। टैक्सी वाला से बात करना पड़ेगा सर। हम लोग ने कल एक पूछा था, वैगनर आया था इधर, हाँ। तो वो क्या बोला था, 10 बजे बोल दो करके, तो अभी मैं बोला नहीं उसको। तो आपकी तरफ से कुछ होता है क्या? फाइनली होटल वाले ने टैक्सी अरेंज कर दिया है, तो अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। 12:30 को टैक्सी आएगा। अभी तक एक टेंशन सबसे बड़ा है, जोमेटो वाला अभी तक नहीं आया। ब्रेकफास्ट करेंगे, जोमेटो वाला आएगा तो अपन निकलेंगे। फाइनली जोमेटो वाला भी पहुँच रहा है 5 मिनट पे, तो ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट और निकलेंगे। जोमेटो से बोल रहे हो? हाँ हाँ, बोल गया, आए उनसे। फाइनली नाश्ता आ गया, तो टैक्सी वाला भी आ गया, तो वेट कर रहा है। तो हम लोग बोले 5-10 मिनट में हम लोग नाश्ता फटाफट खाते आ जाते हैं। अभी फटाफट नाश्ता करना भाई और निकलने का है। ले बाबा, नाश्ता फटाफट कर, 5-10 मिनट में बोला है उसने। गोवा में लास्ट ब्रेकफास्ट, अभी डायरेक्ट मुंबई में सेम ब्रेकफास्ट मंगाया, बर्गर और ये मिर्ची भजी और मसाला डोसा। जल्दी खा ले, टैक्सी आ गया नीचे। ओके, फाइनली रेडी हो गया, निकलते गोवा को बाय बाय करना है। रह जा तू इधर ही, मैं जाती हूँ। तो फाइनली निकल चुके मुंबई के लिए, गोवा को टाटा बाय बाय। अभी 3 दिन काफी एंजॉय रहा, मजा आया। तो अभी फाइनली हमारा टैक्सी आ चुका है, तो अभी वो अंदर नहीं आया, बाहर हाईवे पे। तो हम लोग को वैगनर आया, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम पहुंचने से मतलब। तो अभी हम लोग निकल गए, गोवा का सड़क देख रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। जाने को ही मन नहीं कर रहा था मुंबई, हम दोनों बहुत अपसेट थे कि गोवा से जाने के लिए। तो फाइनली एयरपोर्ट आ चुका है, तो हम लोग डिस्प्ले में चेक कर रहे थे कि हमारा फ्लाइट कौन से गेट नंबर में आने वाला है, तो कितने बजे कहाँ से एंट्री है ना, गेट नंबर क्या था, 3 है, गेट नंबर 3 है। तो अभी हम लोग बैग चेकिंग करने के लिए खड़े लाइन में। फाइनली बोर्डिंग पास हो गया, तो गेट नंबर 10 है, तो अभी सिक्योरिटी चेक होगा।
फाइनली सिक्योरिटी चेक भी कंप्लीट हो गया, तो अभी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। तो 45 मिनट्स है फ्लाइट के लिए, तो अभी वेट कर रहे हैं। ये अपना फ्लाइट है मुंबई का, आकाश एयरलाइंस, तो अभी तक रेडी नहीं है, अब तक लगा भी नहीं है गेट में, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। फाइनली अपना फ्लाइट आ चुका है, तो अभी जा रहे हैं। तो अभी फ्लाइट लग चुका है, तो अभी 5-10 मिनट में फ्लाइट के अंदर चले जाएंगे। फाइनली प्लेन के अंदर बैठ गए, तो इसको विंडो में थोड़ा सा इशू हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा बैक साइड है, तो इधर इधर होना चाहिए था, तो बैक साइड चला गया, तो ठीक है, नो इशू। थोड़ा व्यू दिख रहा है थोड़ा। गाज ई हुक का, वेपिंग डिवाइसेस आदि का उपयोग और चार्जिंग वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। उड़ान के दौरान सीट बेल्ट साइंस बंद होने के बाद मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड पर किया जा सकता है। फाइनली मुंबई आ चुका है, कुछ भी हो अमची मुंबई, अमची मुंबई है, तो खींच ही लाता है। अपनी मुंबई की एयरपोर्ट ही कुछ अलग है, कुछ बात ही कुछ और है। बैग लेने के लिए कितना लगेगा है ना? फाइनली कैब बुक हो गया, तो गोवा मज़ा आया। 5655 गाड़ी नंबर है, देख जरा। मुंबई आते ही ट्रैफिक दिखने लग गया, गोवा में एकदम खाली खाली था, तो मुंबई की पहचान यही है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास। फाइनली घर पहुंच गए हम लोग, काफ़ी ट्रैफिक मिला था फिर भी पहुंच गए हम लोग, चलो ठीक है। लेकिन अभी तक दिल नहीं भरा मेरा, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना बाइक निकालने, बहुत गंदी हो गई रहेगी, तो उसे साफ करके थोड़ा एक राउंड मार के आऊँगा मैं। तेरा दिल नहीं भरा क्या गोवा में घूम के? वो तो मुझे भी मालूम, आधा घंटा नहीं हुआ, पर तेरा दिल नहीं भरा क्या मुंबई गोवा से आके फिर से घूमने निकला? तो हम लोग फटाफट घर पे बैग रखे और फिर से निकल पड़े मुंबई घूमने। मुंबई को देख के काफ़ी दिन हो गया, तो हम लोग हिरानी चाय पी रहे हैं अभी, तो हमारा फिक्स है यहाँ पे, हमारा इधर फिक्स है बन मस्त और चाय, हिरानी चाय मस्त लगता है इधर। गोवा के मज़े कम गिर गए थे क्या? तुरंत घूमने निकले अपन, वो आधा घंटा भी नहीं हुआ मुंबई में घूमने आ गए। तो अभी हम लोग निकल पड़े कि CST के लिए, अपनी वाइफ का फ़ोन का कवर और बैक स्क्रैच गार्ड लगाना था, तो हम लोग आ गए मोबाइल शॉप में, तो फाइनली स्क्रैच गार्ड लगा रहे पीछे ताकि स्क्रैच ना हो, वाइफ के हाथ से बार बार स्क्रैच होते रहता कुछ ना कुछ, तो लगा लेना बेटर है। तो उसके बाद फिक्स हम लोग यहाँ गन्ने का जूस पीते, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ, बहुत मीठा रहता है। तो चाहिए क्या? तो गाड़ी 4-5 दिन से बंद था, तो अभी स्टार्ट करके छोड़ रहा हूँ एक 10-15 मिनट, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना व्लॉग। गोवा में काफ़ी मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोग, बस थोड़ा बहुत है वहाँ प्रॉब्लम, थोड़ी महंगाई है वहाँ पे, तो थोड़ा संभाल के रहना, थोड़ा दिमाग यूज़ करना, माइंड यूज़ करना, तो आपको थोड़ा मतलब रिजनेबल हो जाएगा जो भी आपका ट्रिप जो भी है, ठीक है। तो गोवा काफ़ी मज़ा आया, और व्लॉग मैंने यहीं से शुरुआत किया था, अभी व्लॉग यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ।
तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।